जो झंडा लिए माताजी को बुलाया था उनको भेज दीजिएगा हमारे पास। जय श्री राम। इसके बाद वो जो डी है, एक दो तीन, तीसरी डी दाहिने हाथ में, राइट हाथ साइड की एलईडी के बाद में, वहां से राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। कल्पना नाम की माताजी की अर्जी स्वीकार हुई है। नंबर दो, उसी के पीछे सबसे लास्ट में जो गोल वाला पंडाल लगा, उस पंडाल के पहले विनोद नाम का बालक है, बिल्कुल पीछे में आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। नो, आपने चलो आ गए तो आ ही जाओ, वैसे आपकी अर्जी नहीं जहां तक हमें पता है, फिर भी पूछते हैं हम गुरुजी से। आओ मां, ये हैं, इनको आने दीजिए। यस, यहां से कहां से आना है बोला? हाँ यही है, आगे वाले। राम, साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। नजदीक आओ, कहां से हैं? माइक लेंगे आप बिना माइक के? राजकोट में कहां रहती हैं? राम बोलो मां, क्या बात है आपकी? जन्म जात है उसको दिक्कत। हम बताएं? हमें तो पता है, इसमें पर्चे में आया ना, हम क्या, घर में अशांति, बेटी आपकी बोल नहीं पाती, चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती, चल नहीं पाती, पैरों में परेशानी बनी हुई है, अवस्था बहुत हो गई है, शरीर में जकड़न भी बनी हुई है, जन्मजात दिक्कत है, ब्रेन का विकास नहीं हुआ, 30% लाभ धाम की कृपा से हो जाएगा, आशीर्वाद है। अभी पूजा भी बताते हैं। बहुत आप लेकिन यहां के रहने वाले नहीं, कहां क्यों? कुल देवता कहीं और हैं तुम्हारे, दरिया काठी, तो झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारे परिचय में कुल देवता वहीं के आ रहे तो। हाँ, देवी हैं, उन्हीं को देवी ही कहते हैं, वही हैं, उनकी पूजा आप करिएगा। बेटी के लिए आपको जो है झाड़ा लगवाना है, यहाँ से भभूति लेनी है, भभूति से लाभ होगा, मंत्र भी इसमें लिखा, इस मंत्र के जाप से भी प्रयोग प्रभाव होगा। वाह, घर पर हम सेना भेज देंगे, 30% ही मात्र ठीक होगी, पूर्ण नहीं, लेकिन इतने में भी बालाजी दया करेंगे। फिर आपकी भक्ति और उनकी शक्ति, हम माध्यम हैं, आपकी भक्ति उनकी शक्ति। चलो मां, चिंता ना करो, हम उपाय करें, आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की।